फ्रेंड्स साउथ इंडियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 फीट बाई 30 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 390 स्क्वायर फीट में होगा। 43 गज में ये प्लान बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके वेंटिलेशन डायमेंशंस और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या क्या है। साइड से तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 13 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 30 फीट की होगी। इस साइड से तो हमने इसका मेन गेट प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि 2 साइड आयरन का डोर होगा, आयरन का गेट लगा है। अब इस गेट की चौड़ाई की बात करें तो 5.5 फीट की इस साइड से तो गेट की चौड़ाई दी है। अब इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। अब इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि इसकी 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इसी साइड अपना सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बना सकते हैं, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। प्लस साइड से तो हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर्स प्रोवाइड किया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए होगा। फर्स्ट फ्लोर पर इसमें 1 बेडरूम का पोर्शन बनेगा। स्टील वाली स्टेयर्स चाहें तो आप लगवा सकते हैं। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी। इस साइड से तो हमने एंट्रेंस गेट प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि 3.5 फीट का गेट होगा, जो कि अंदर जाने के लिए होगा। इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका डाइनिंग/लिविंग एरिया मिलेगा। अब इस एरिया की बात करें तो आपकी 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। काफ़ी आपका डाइनिंग एरिया मिलेगा। आप गेस्ट वगैरह के साथ इस साइड से तो बैठ कर सर्व कर सकते हैं, डिनर वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा। इस साइड आप टीवी वगैरह देख सकते हैं बैठ कर। अब इस साइड से तो वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज़ वगैरह लगाया हुआ है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होते रहेगा। इसमें स्मेल और स्मोक वगैरह इसकी इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी, इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। अब इस साइड से तो ठीक इसी के सामने हमें एक और आर्क मिलेगा, जो कि हमने 5 फीट का आर्क दिया हुआ है। ये हमारा आर्क होगा। अब इस साइड से तो इस आर्क से एंटर होती काफ़ी आपका लॉबी मिलेगा। इस लॉबी के एरिया की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी जो है लंबाई होगी, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 6 फीट की होगी। काफ़ी आपको लॉबी मिलेगा। अब इस साइड से तो इसी साइड आपको एक ओपन किचन मिलेगा, जो कि हमने ओपन किचन दिया हुआ है। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4 फीट की इसकी लंबाई होगी। काफ़ी आपका ओपन किचन मिलेगा। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज साइड से देखे तो दिया हुआ है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब इसी से अटैच एक आपको OTS मिलेगा। OTS की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की होगी, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2 फीट की होगी। काफ़ी आपको OTS मिलेगा। अब इस साइड से तो हमारा टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम का गेट होगा। इसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया हुआ। इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका टॉयलेट/बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 4 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके वॉश बेसिन, शावर्स इजीली एडजस्ट हो जाएगा, टॉयलेट सीट वगैरह। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया हुआ है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारी ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम का गेट होगा। काफ़ी बड़ा गेट दिया हुआ है। सनलाइट वेंटिलेशन के लिए इसका फ्रेम बनाया हुआ है, जिसके द्वारा रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसी साइड आप एक 4x4 का एक ओपन जाल डाल पाएंगे, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन इसका होता रहेगा। अब इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका मास्टर बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 12 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी डबल बेड, सोफे, अलमीरा वगैरह इजिली एडजस्ट हो जाएगा, टेबल वगैरह। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विंडोज़ भी दिया हुआ है। आप LCD वगैरह भी लगा पाएंगे। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 4 लाख में ये प्लान बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बना सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।